यार, आज है हमारे पास ये फेवर कैस्टल 9000। तो इसको मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है, मतलब एक दो हफ्ते हो गए और मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है। और इससे मैंने अभी तक 2 मैंने ड्राइंग्स बना ली हैं और ये अभी ज़्यादा ख़त्म भी नहीं हुई, जिसकी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये पेंसिल देख लो, ये 6B है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा था इसको 6B का। तो और इसकी ये B जो पेंसिल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसको यूज़ कर लिया है अभी। और ये HB वगैरह मैंने सभी पेंसिल को यूज़ कर लिया, मैंने इनसे लगभग 2 ड्राइंग आराम से मैंने बना ली हैं। और देखते हैं कि यार अब ये कैसा है, आपके साथ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलो यार देखते हैं कैसी है। तो वैसे ये है वो आर्ट वर्क जो कि मैंने इस पेंसिल को यूज़ करके बनाया है। अब आप इस, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा रफ पेपर है ये, मैं आपको टेक्सचर दिखाता हूँ इसका, पेपर का टेक्सचर कैसा है। तो यार ये जो कि पेपर बहुत ज़्यादा रफ है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी स्मूथ ब्लेंडिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह जाता है। ये पेंसिल इसी चीज़ की वजह से जानी जाती है, यानी यार ये जो पेंसिल है ना, इसकी जो ग्रेफाइट रहती है ना, उसकी वजह से जानी जाती है पेंसिल। और इसकी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक मुझे चीज़ कमी लगी भाई, इसकी डार्कनेस इसकी बहुत ज़्यादा ही कम है। मैंने जब इसकी, जब मैंने 8B पेंसिल ट्राई की थी, जब बहुत ही ज़्यादा जो कि यार कम जो कि डार्क की, फिर मैंने ब्रश को पेंसिल को यूज़ किया और तब जाके मुझे ऐसे डार्क रिजल्ट मिल पाया। मैं आपको एक साइड दिखाता हूँ जिससे कि आपको डार्क मिल सकते हैं। ये इस टाइप की ही है और आप ड्राइंग देख पा रहे हो तो फिर नहीं है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने बना ली थी। अब ये थोड़ी सी बाकी है, देख पा रहे हो कि ये टू पेंसिल कैसी है। ये है यार HB। ये पेंसिल काफी ज्यादा एक दूसरे में अच्छी तरीके से जो किया शेड होता है बिल्कुल स्मूथली और एक दूसरे में अच्छी तरीके से ये ब्लेंड भी हो जाता है। हम इसको ब्लेंड भी करके दें, मैं इसे मेकअप ब्रश से ब्लेंड करूँगा। सबसे पहले करते हैं HB। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आज ये कितनी ज़्यादा डार्क हो चुकी है। मैंने थोड़े से हार्ड ब्रश को जो किया यूज़ किया तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई है, जैसे कि ऐसे लोग देख पा रहे हो। तो यार पेंसिल तो यार यही थी, काफ़ी ज़्यादा सही पेंसिल है। अब मैं इसकी आपको प्राइस बता देता हूँ, पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो यार इसकी प्राइस है 335 रुपीज़। ये मैंने डिस्काउंट में ख़रीदा था, मुझे पड़ा था ये करीब 310 रुपीज़ का। तो ये पेंसिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको थोड़ी सी अपग्रेड करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा जो कह रहा कोई शेड्स चाहिए तो आप ब्रस्ट्रो की यूज़ कर सकते हो। ब्रस्ट्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रांड है, मैं इसी को यूज़ कर रहा था। मैंने इसके अभी तक 2 डब्बे यार मैंने इसको यूज़ कर दिए हैं। तो मैं तो यार अभी इसको यूज़ करूँगा, फिर देखते हैं यार। तो यार देखो, अगर आपको पेंसिल जो कि चूज़ करनी है तो आपको अपने ड्राइंग के उससे आपको जो कि चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको ऐसी बिल्कुल पिच ब्लैक वाली जो कि ड्राइंग करनी है, ज़्यादा शेडोज वगैरह देनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो ब्रश्ट्रो का। बाकी अगर आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, और चारकोल मिक्स करना है तो अभी इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये जैसे जैसे लोग देख पा रहे हैं, ये चारकोल मिक्सिंग में भी काम में आता है थोड़ा सा। मैंने मिक्स करके देखा नहीं है अभी तक, मगर आने वाली वीडियोस में हम लोग करेंगे। तो पेंसिल तो यही थी, और ऐसी टाइप की मैं आपको अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। वेट, पहले
पहले लाइक तो कर दो।